सो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों की सॉल्व एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप अपने यूट्यूब चैनल में जब आप अपने यूट्यूब वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अपने वीडियो में ज़्यादा टाइम लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना सबसे पहले डाटा को कर लेता हूँ ऑन। डाटा को ऑन करने के बाद आपको जाना होगा सिंपली क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा। यदि आपको यहाँ पर यूट्यूब का ऑप्शन, सॉरी इसको मैं खुल जाने दूँ, इस सर्च बॉक्स में नहीं तो आपको सर्च कर लेना youtube.com। अगर आपको यहीं पर दिखाई देगा तो आपको सिंपली उस यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल को ओपन कर लिया और यहाँ पर आपको उसी चैनल से लॉगिन हो जाना है। तो मैं यहाँ पर उसी चैनल को लॉगिन हो गया हूँ। तो आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या होगा, 3 डॉट से ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सिंपली डेस्कटॉप साइट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली डेस्कटॉप साइट कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप साइट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको पता ही होगा। तो थोड़ा ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो ये हमारा इस ओपन हो चुका है डेस्कटॉप साइट। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपने लोगो पर करना होगा क्लिक। तो मैं यहाँ पर जूम करके अपने लोगो पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि क्रिएटर स्टूडियो। तो आपको यहाँ पर स्टूडियो बीटा, यूट्यूब स्टूडियो बीटा पर सिंपली करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आप सीधा अपने यूट्यूब स्टूडियो बीटा में पहुँच जाओगे। तो मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब स्टूडियो बीटा में पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको यूट्यूब स्टूडियो बीटा से आपको क्रिएटर स्टूडियो में ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली नीचे जाना होगा और यहाँ पर इस आदमी का फुटपाथ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इंटरफेस, आपको एरो के निशान पर सिंपली करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जूम करके आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद ये हमारा यूट्यूब चैनल डायरेक्ट क्रिएटर स्टूडियो में खुल जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली क्रोम ब्राउज़र में सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको सिंपली क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पर टेक्स्ट बोर्ड, वीडियो मिलेगा, लाइव चैनल, कम्युनिटी चैनल, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सिंपली चैनल पर आपने जाना होगा। तो जैसे ही मैंने अपने चैनल को ओपन किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एरो के निशान पर वेरीफाई का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर सिंपली वेरीफाई पर करना होगा क्लिक। तो मैं यहाँ पर सिंपली वेरीफाई पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका लिख जाएगा सिलेक्ट योर कंट्री। तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपको टेक्स्ट मी द वेरीफाई कोड पर सिंपली करना होगा क्लिक। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट मी वेरीफाई पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर मांगेगा, तो आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर दे देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना फ़ोन नंबर को दे देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपली अपने फ़ोन नंबर को देकर यहाँ पर आपको नीचे सिंपली सबमिट पर करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, उसको आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना होगा और आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को वेरीफाई जब आप हो जाएगा तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ से कट कर देना होगा। कट करने के बाद आप सीधा यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद आपको सिंपली जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आप वहां पर जाकर आपको एक ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम होगा बाइटी स्टूडियो, यानी कि यूट्यूब स्टूडियो। तो मैं यहां पर शॉर्टकट में डालता हूं बाइटी स्टूडियो। तो आपको सिंपली बाइटी स्टूडियो पर यहां पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं अपनी सिंपली वहां पर जाता हूं, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ।
तो दोस्तों मैं सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर वाइट स्टूडियो ऑन ओपन कर लिया। यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको आप यहाँ पर मैं कोई सा भी एक वीडियो को ले लेता हूँ जिसका थंबनेल को सेट करना है। तो मैं यहाँ पर कोई सा भी एक वीडियो को, जैसे कि इसको फेसबुक के स्टेटस को, जैसे कोई सा भी मैं एक वीडियो को ले लेता हूँ, जैसे कि इसका है ये वीडियो है, इसमें थंबनेल सेट करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर एडिट थंबनेल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टम थंबनेल को लगाना है। कस्टम थंबनेल पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली चले जाना है अपने किसी में भी, जिसको जिसका भी आप जो भी आपको, आप डायरेक्ट गैलरी में पहुँच जाओगे तो वहाँ पर आपको कोई सा भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने थंबनेल बनाया हो। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये देखिए हमारा थंबनेल लग चुका है। अब ये आप बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये अब मैंने इसमें थंबनेल लग चुका है। दोस्तों ऐसे ही करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाइयों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।